हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हमारा सेट है 82। सो देखते हैं आज के लेक्चर में क्वेश्चन कौन से रहेंगे, और प्लस जो है स्क्रीन के ऊपर आपको ये अपना दिख रहे होंगे, सारे मेरे लिंक्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो लिंक है ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाता है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। सो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्वेश्चन बनते हैं, सर लगाइए। सो क्वेश्चन क्या कहता है, इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप उसको खरीदेंगे तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही आपका राइज इन द प्राइस होगा, राइज इन प्राइस होगा, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लेस। क्लियर। अब क्वेश्चन यहां पे क्या है कि इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन सिचुएशन किस तरीके से आती है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही देखो सारा पैसा का काम किसके पास है, आरबी के पास है। आरबी किसको पैसे देता है, उधार बैंकों को। सपोज करके हम चलते हैं कि बैंक के पास ज्यादा मनी आ गया है, और मोर मनी, ठीक है, बैंक के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं। क्लियर। सो जब बैंक के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो बैंक किसको देगा पैसे, बैंक हमेशा देगा किसको, बैंक किसको पैसे देगा, वो देगा जो है कस्टमर को, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया को देगा। जब पीपल ऑफ इंडिया ये पैसे क्यों लेंगे बैंक से, अगर इसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये लगता है कि आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेगा, नहीं, ये क्या करेगा कि बैंक कोशिश करेगा कि लोग इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, इसीलिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है आपको पैसे देगा। जैसे आप लोग पैसे ले लेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, किसी ने घर चलाना होगा, किसी ने घर बनाना होगा, किसी ने दुकान खोलनी होगी, किसी ने कुछ करना होगा, ठीक है, तो इट मींस इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगी तो आप लोगों को काम दे रहे हो, अगर आप दुकान खोल रहे हो तो दुकान में कोई ना कोई लड़का रखोगे, अगर आप लेबर का काम कर रहे हैं तो आपको लेबर का काम मिलता जाएगा, आई मीन टू से अगर किसी की फैक्ट्री खोल रहे हो तो उसमें लेबर वर्कर और बढ़ जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे आपको लोगों की जरूरत पड़ती जाएगी, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है जो लोग काम पे लगेंगे उनके पास पैसा आएगा, इट मीन्स वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जाके हमें क्या मिलता है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती है, सबके पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, जब सबके पास पैसे आ जाएंगे तो लोग डिमांड भी करेंगे, जब डिमांड होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, चीज़ के रेट बढ़ने लग जाएंगे, तो डैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है, जब टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू हैं, टू फ्यू गुड्स, जाने के इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब आती है जब सब लोगों के पास पैसे हैं और कुछ चीज़ों के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो क्या हो गया, उस चीज़ के रेट बढ़ गए। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या बना, राइट आंसर, टू मच मनी चेजिंग द टू फ्यू गुड्स, ए ऑप्शन क्या बना आपका, राइट आंसर। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबी पॉलिसी अपनाती है, और आरबी की जो पॉलिसी होती है, इस लो रेट को उसने क्या करना होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करना होता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, और आपकी टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी। क्लियर। तो इस तरीके की पॉलिसीज को हम फॉलो करते हैं। एंड सेकंड थिंग इज द कि आरबी तो कर गया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देगी। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि जब इनकम बढ़ रही है सबकी, जब इनकम बढ़ रही है तो डायरेक्ट टैक्स क्या है आपका, इनकम क्या है आपका, डायरेक्ट टैक्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम टैक्स को बढ़ा देगी, डैट मीन्स डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर वो ध्यान देने लग जाएगी। क्लियर। इससे क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका के अंदर थे तो उन्होंने कौन सा इसमें से न्यूज़पेपर जो है उन्होंने लिखा था, किस न्यूज़पेपर में लिखते थे, डैट इज कौन सा न्यूज़पेपर है जी इसमें से, डैट इज इंडिया ओपिनियन, डैट मींस बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। लेकिन जब गांधी जी इंडिया में आ चुके थे तब इन्होंने दो चीज़ें और लिखी थी, ये जो है आपका इंडिया ओपिनियन, बी ऑप्शन तो सही है। जब इंडिया में आ चुके थे इन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन के बारे में भी बातें करी थी, यंग इंडिया और नवजीवन, और प्लस इन्होंने हरिजन का भी काम किया था, हरिजन न्यूज़पेपर भी चलाया था, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका में इन्होंने बी ऑप्शन, डैट मीन्स इंडिया ओपिनियन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ पुरंदर का जो एम क्या था, व्हाट इज़ द मीनिंग, एम बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ
ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ये क्या था कि जब शिवाजी की जो आई मीन टू से उनकी पावर जो बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि औरंगजेब इससे जो है इफेक्ट होता है औरंगजेब को. औरंगजेब शिवाजी महाराज को क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है. तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये लड़ाई करते जाते हैं कि जो जयसिंह भेजा जाता है, जयसिंह नाम का पर्सन भेजा जाता है औरंगजेब द्वारा किसके अगेंस्ट, शिवाजी के अगेंस्ट. तो इस लड़ाई में शिवाजी हार जाते हैं और एक ट्रीटी साइन होती है पुरंदर की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर. और इसमें क्या होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कि शिवाजी को 20 से 22 अराउंड जितने भी उनके फोर्ट्स होते हैं, 35 फोर्ट होते हैं उस टाइम पे मराठा जो है शिवाजी महाराज के पास, तो आई थिंक 22 उसमें से जो है उनको ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जयसिंह को देने पड़ते हैं, क्लियर. और इससे क्या होता है कि जितना भी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ठीक है, वो सारा का सारा फोर्सफुली उसको उनको साइन करवाया जाता है 1665 में, जो एक्चुअली क्या है बीजापुर क्योंकि एट द एंड क्या था कि जो बीजापुर के सुल्तान के साथ जो है वो जो आई मीन टू से उनके बीच में बीज बोने थे कि हाँ बीजापुर और जो है आई मीन टू से शिवाजी के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है. तो ये जो चीज़ इसमें बात करी गई थी, सो इट वॉज द एम टू सो द सीड्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन द शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर के सुल्तान और शिवाजी के बीच में जो विवाद है उसको बोने के लिए ये चीज़ें करी गई थी. टू सो द सीड्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर. बी ऑप्शन क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट लगाइए जी इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है. सो देखिए जी पहले क्या है, मोहनजोदारो. सो मोहनजोदारो में से इसमें से कौन सी चीज मिली थी हमें, उनमें मिली थी जी ग्रेट बाथ, यानी कि ए ऑप्शन का क्या बन गया आपका 4, ठीक है. सो इट मीन्स ए की ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में सीधा सीधा निकल गया, लेकिन ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो के अंदर वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है. और यहाँ पे देवदासी की फ़ोटो भी मिली है हमें, और प्लस जो है पशुपति देव की भी फ़ोटो मिली है, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं, ठीक है. और दूसरा लिखा जी हड़प्पा के अंदर क्या चीज़ मिली है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला है, बिल्कुल सही ऑप्शन है. कालीबंगन जहाँ पे ब्लैक कलर की बैंगल्स मिली हैं, कालीबंगन. सी ऑप्शन में क्या मिला है, प्लो मार्क यानी कि हल चलाने के निशान मिले हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है. लोथल क्या था हमारा, पोर्ट सिटी था जो गुजरात के अंदर है, आपका स्टैचू जो है आपका पोर्ट है, दैट मीन डी का 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा जी इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन, क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको. और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम दिया था वो जॉन मैके ने दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम. और प्लस आपको और एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी इसको कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री से पहले हैं, यानी कि इनकी जो चीज़ें हैं लिखित में तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि लिखित जो चीज़ होती है वो हिस्ट्री कहलाती है. यहाँ पे हम पिक्चरों से निकालते हैं, पिक्टोग्राफी की इनका स्क्रिप्ट है यहाँ पे, बोस्ट्रोफिडोन जिसे आप कहते हैं, क्लियर. और प्लस जो है बोस्ट्रोफिडोन, प्लस एक और चीज़ है आपको बतानी है कि इसकी जो पहली सिविलाइजेशन में हड़प्पा पहली सिटी थी जो डिस्कवर करी थी 1921 में, और उसके बाद थी मोहनजोदारो, दैट इज़ द सेकंड कैपिटल सिटी 1922, और जो है ये कैपिटल सिटीज थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर. नेक्स्ट हमारे ब्लड का कलर जो है रेड होता है, रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है. और आयरन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था फेरिक फॉर्म का, डैट मीन्स हीम. और हीम जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्लोबिन. और ग्लोबिन पार्ट क्या है हमारा, प्रोटीन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की को ट्रांसपोर्ट करता है. इसका आंसर क्या बन गया, डी ऑप्शन, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर, क्लियर. और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर पार्ट करता है जो सेकेंड ऑप्शन में है. उसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम एटम जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करवाता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है. हीमोसाइनिन, हीमो का मतलब ब्लड, साइनिन मतलब कॉपर यानी कि ब्लू, यानी कि इनके अंदर कॉपर कंटेंट होता है और इनका ब्लू कलर आता है हीमोसाइनिन के अंदर. साइन वर्ड जो होता है वो आपका ब्लू कलर के लिए होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हीमोसाइनिन दैट इज ब्लू कलर. तो एक कॉपर ये कंटेंट के ऊपर भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कलर वगैरह के ऊपर, ठीक है. सो नेक्स्ट लगाइए जी, इनमें से ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लारिंग, ऑब्वियसली बात इसका पड़ेगा,
पत्ते जो हैं वो फूल जब कब बनेंगे, जब आपकी लाइफ प्रॉपर तरीके से कंडीशन मिल रही होगी तभी तो वो करेगा। और फ्लावरिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा हार्मोन काम करता है, जिबरलिन हार्मोन काम करता है, जिबरलिंस, ठीक है। और एक है जी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन नहीं होगी तो आपका जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, सनलाइट प्लस आपका जो है प्लस जो होता है क्लोरोफिल, ये करते हैं तभी तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और अपना खाना बनाया जाता है। और आपको बताया था 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट में ये आपकी जो होती है विजिबल लाइट होती है, यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी देखी जाती है रेड कलर में सबसे ज़्यादा और रेड ब्लू वायलेट कलर में सबसे कम, रेड में मैक्सिमम ये इसमें मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और प्लस ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, जब स्टोमेटा खुल जाते हैं और पानी ऊपर चला जाता है, क्लियर। ये भी क्या होगा, सनलाइट से ज़्यादा होगा, सनलाइट आएगी तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। और नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन जो होती है जैसे पॉलिनेशन होती है तो कभी भी हो सकती है, ठीक है। जो आपका स्टेमन है, मेल पार्ट है, उससे जो है कभी भी पिस्टल में जा सकता है, पिस्टल इन द फीमेल पार्ट, क्लियर। और उसके बाद जो है ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल जो होता है फीमेल पार्ट के अंदर आपका ओव्यूल, ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड। और ओवरी क्या बन जाती है, ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट, ठीक है, इन द फीमेल पार्ट। फर्टिलाइजेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। अगर लाइट का ऊपर कोई किसी भी इफेक्ट, किसी चीज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म, ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर, फर्टिलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा लेंस होता है जो मायोपिया के लिए यूज़ किया जाता है। मायोपिया मतलब क्या होता है, नियर साइटेडनेस, इट मीन्स हम जो नज़दीक की जो चीज़ें होती हैं वो हम देख पाते हैं और दूर की चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। नज़दीकी जो चीज़ें होती हैं वो हम देख पाते हैं, दूर की चीज़ें हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा लेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। एक होता है हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ें देख लेते हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती। और इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। और ये कौन सा लेंस होता है जी, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है वो यूज कब होता है, एस्टिगमेटिज्म में, एस्टिगमेटिज्म, ये आपको पता होना चाहिए, एस्टिगमेटिज्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो विजन होती है ना, ब्लर दिखने लग जाती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं दिखती, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में। ऑप्शन बी क्या बना, राइट आंसर। नेक्स्ट, आयोडेक्स के अंदर, आयोडेक्स ऑब्वियसली बात है पेन रिलीफ करता है, बाम है, इसके अंदर जो स्मेल आती है, खुशबू सी आती है, वो किस चीज़ की होती है, डैट इज मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे, सैलिसिलेट, ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि कॉम्पोनेंट्स के ऊपर आते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज के आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन याद करने ही पड़ेंगे आपको, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है। एयर पॉल्यूटेंट का मतलब यहाँ पे क्या कि जो एयर को विषैली करता है, ठीक है। इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो पॉल्यूटेंट नहीं है, एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, ये तो गैस है, ओजोन लेयर, ओजोन गैस है, यानी कि ये ग्रीन हाउस गैस है, सॉरी इट्स ए ग्रीन हाउस गैस, जो क्या करती है, ये क्या करती है, जिसे आप लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है, और एयर को पोल्यूट नहीं करती, ये तो सिर्फ ये क्या करती है, टेम्परेचर को गर्म करके रखती है, एटमॉस्फेयर को गर्म करती है और पूरी की पूरी सनरेज खींचती है, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट मीन्स डी ऑप्शन, ठीक है। और एटमॉस्फेयर को गर्म करती रहती है और यूवी रेज को पास होने के लिए हेल्प करती है, और प्लस जो है यूवी रेज को ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं ये। हाइड्रोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, हाइड्रोकार्बन के साथ सारी चीज़ें मिलती हैं और एट द एंड कंपाउंड्स बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली बात है एयर पॉल्यूटेंट है अगर ज़्यादा हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कई बार आपको एसिड रेन के ऊपर, एसिड रेन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस HNO3 नाइट्रिक एसिड आता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 वगैरह जब आते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन, क्लियर। ऑप्शन डी क्या बना, राइट आंसर, इट्स नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट, इनमें से <coughs>
लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, दैट मींस ए थाईलैंड इज द राइट आंसर. यहां पे व्हाइट एलिफेंट देखने को हमें मिलते हैं, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो कहां पे है? देखिए जो फ्रेज है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से. ध्यान से समझना ये क्वेश्चन. जो वर्ड लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन फंडामेंटल राइट अगर बात की जाए वो सारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं जो 12 से लेके 35 तक हैं. और इसमें जो है राइट टू इक्वालिटी का जो आपका फंडामेंटल राइट है वो 14 से लेके 18 तक आता है, 14 से लेके 18 तक आता है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो 14 में लिखा गया है, आर्टिकल 14 में लिखा गया है, दैट मींस बी ऑप्शन. लेकिन इसमें आर्टिकल 17 है वो अच्छे से याद कर लीजिए. इसको हम क्या कहते हैं? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को हमने खत्म करना है, और अनटचेबिलिटी के लिए एक्ट बनाया था 1955 में, और बाद में इसको प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना दिया गया था. पीपल इट्स प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट एक्ट, दैट मीन्स सिविल राइट एक्ट बना दिया था हमने, सिविल पीपल्स सिविल राइट एक्ट जो बना दिया था हमने, दैट इज 1976. ठीक है, सिविल राइट एक्ट बना दिया था कि ये सिविलियंस का राइट है कि किसी को कोई भी जो है ऐसे बात नहीं कर सकता. आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट लगाइए, इंटर कनेक्टेड आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं? जहां पे बहुत सारे आइलैंड्स जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? देखिए इस चीज को हम क्या कहते हैं? आर्किपेलिगो. क्या कहते हैं हम? आर्किपेलिगो. इट मींस सी ऑप्शन. ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट होता है एक, जहां पे ऑप्शन में लिखा हुआ है स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या होता है? दो लैंड के बीच में जोड़ने वाला हिस्सा, या दो पानी के हिस्सों को जोड़ने वाला हिस्सा. ठीक है, जैसे पनामा स्ट्रेट है, पनामा स्टेट है, पनामा स्टेट क्या करती है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ती है. क्लियर? तो ऐसे ही पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को वो जोड़ती है. सेम जो है आपकी इस चीज़ को स्टेट कहते हैं. स्टेट आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगेन आपका जो है स्टेट जो है हमारा पाक स्टेट. पाक स्टेट क्या करता है? इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है. क्लियर? तो इसको स्टेट बोला जाता है. पेनिनसुला, पेनिनसुला जो होता है, पेनिनसुला ये क्या होता है? इंडियन पेनिनसुला कौन सा है? जो आपकी कोस्टल स्टेट्स हैं, जहां पे ये पानी ही पानी यहां पे ऐसे ढका पड़ा है. सो दीज स्टेट्स आर पेनिनसुला. ये पेनिनसुलर इंडिया होता है, नीचे वाला जो साउथ इंडिया ना पूरा, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे नीचे इंडिया है, साउथ इंडिया है, तो वो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया. लेगून, लेगून होती है जी ये आपकी, जैसे गल्फ होते हैं, आई मीन टू से उसको क्या कहते हैं, कोरल्स. कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स क्या कहते हैं? कोरल जैसे ऐसे जमा हो जाएं, बैरियर्स बना लें. ठीक है, ऐसे इस तरीके से बीच में अगर पानी हो, यहाँ पे लेगून लेक बन जाती है. ठीक है, ये लगून, ये हल्की सी आपके खारे पानी की थोड़ी सी होती है लेगून. इसके अराउंड सराउंडिंग में कुछ हो जाए, छोटी सी झील सी बन जाती है, डैट इज कॉल्ड लेगून. क्लियर? दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर बना सी ऑप्शन, आर्किपेलिगो. नेक्स्ट, लेबर इकोनॉमिक्स में क्या टर्म आती है? देखिए लेबर क्या होता है, यहाँ पे सप्लायर्स काम करते हैं, लेबर काम करती है, लेबर अपने बेनिफिट के लिए काम करती है, और इसमें जो है लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और अटेम्प्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से वेजेस के ऊपर काम किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम के ऊपर काम किया जाता है. और ये लेबर का मतलब क्या होता है कि एक बंदा कितना काम कर रहा है, कितनी उसने लेबर करी है. ठीक है, कोई भी पर्सन हो. तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? ए म्यूजिशियन परफॉर्मिंग फॉर ए बेनिफिट फंड, यानी कि वो अपने लिए पैसे कमाने के लिए बात कर रहा है. सो इसमें देखिए, जैसे ऑप्शन में देखिए, पेंटर वर्किंग फॉर हिज ओन प्लेज, ये तो उसकी खुद की खुशी है, इसमें लेबर थोड़ा हो रही है. रीडिंग ए बुक ए हॉबी, नहीं, ये कहाँ से लेबर हो रही है? आपकी मर्जी है. ए मदर टीचिंग हर ओन सन, ये उनके अंदर जो है अगेन उसके उसको अच्छा बनाने के लिए उसको बात करी जा रही है. लेबर का मतलब क्या है? कि आपने कुछ काम किया है, बदले में आपको पैसा मिलेगा, तो डैट इज कॉल्ड लेबर. तो इसमें क्या है, म्यूजिशियन जो है अगर वो बेनिफिट के लिए गाना गा रहा है, जो है अपना म्यूजिक बजा रहा है, तो उसको पैसे मिलेंगे बदले में, तो वो उसकी लेबर चल रही है. सो इसीलिए ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर. क्लियर? ए ऑप्शन. नेक्स्ट, इनमें से फिश की एग्जाम्पल कौन सी है? यहां पे सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं. जो ऑप्शन ए है जेलीफिश, जेलीफिश जो होती है वो नाइडेरियाज होते हैं, नाइडेरिया. बी लॉब्स्टर, लॉब्स्टर क्या होते हैं? आर्थ्रोपॉड्स. और आर्थ्रोपॉड जो होते हैं ना, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम.
ये पता होना चाहिए। और सी लिखा हुआ है सैल्मन, सैल्मन जो होते हैं सी ऑप्शन जो है ये आते हैं जी आपके फिश कैटेगरी में, दिस इज द फिश कैटेगरी। डी ऑप्शन वेल, ये क्या है मैमल, लार्जेस्ट मैमल है हमारा, ठीक है। आंसर क्या बना सी ऑप्शन सैल्मन, क्लियर, सी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, इसमें क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, द डिस्कनेक्टेड लाइंस ड्रॉन ऑन ए मैप फॉर शोइंग स्लोप्स। यहाँ पे स्लोप्स वगैरह जैसे ऐसे डिस्कनेक्टेड लाइन दिखाते हैं ऐसे करके, ये क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपके उसमें होती हैं आई मीन टू से मैप में होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं हैश्यूर कहा जाता है, इट्स कॉल्ड हैश्यूर। ये जो है आपकी माउंटेन्स वगैरह को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी ढलान है, क्लियर। तो इस चीज़ को बात करी जाती है, क्लियर, ये आपका आंसर है हैश्यूर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर पर्सन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और गाड़ी उसकी तरफ से आ रही है, उसको ऐसे को लगता है कि उसकी गाड़ी उसको खींच रही है, द रीज़न वाई, क्योंकि क्या होता है कि जब गाड़ी नज़दीक आ रही होती है ना, तो दो बंद ये गाड़ी है यहाँ पे पर्सन खड़ा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, लेकिन उसके बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है उसके अंदर जो प्रेशर है ना वो भी कम होता जा रहा है, लेकिन बाहर का एक आउटवर्ड प्रेशर होता है जो उसको धक्का मारता है गाड़ी की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, बीच में जो होता है प्रेशर डिक्रीज करता रहता है, लेकिन एक्सेस एयर प्रेशर आ जाता है, प्रेशर वहां पे कम होता जा रहा है, लेकिन आउटसाइड से एयर प्रेशर इतना ज्यादा आता है कि वो गाड़ी की तरफ धक्का खा जाता है, क्लियर। तो इसीलिए क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू द फास्ट मूविंग एयर इन बिटवीन, क्लियर, फास्ट मूविंग, क्योंकि बीच में क्या है एयर तो बहुत जल्दी चल रही है ना, उनके दोनों के बीच में प्रेशर कम हुआ है, लेकिन हवा का तो प्रेशर ज्यादा आ गया जिसके कारण वो उसको खींच रही है अपनी तरफ, क्लियर, दैट मींस डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, जब नेटवर्क में डेटा जो है ओवरलोडेड हो जाता है, बहुत सारे डेटा भेजी जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है आपका, जैसे आप फ़ोन करते हैं, एक बंदे को फ़ोन कर रहे हैं, दस बंदे फ़ोन कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, अपने दस बंदे ने एक ही बंदे को फ़ोन करी जा रहे हो, तो आपका दस बंदों का ही कोई भी फ़ोन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, कंजेशन हो गई है आपका नेटवर्क, उसका नेटवर्क, इस इट मींस क्या है, वो कंजेशन के कारण क्या है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा, सो दैट मींस यहां पे बी ऑप्शन, ये तो आपका जस्ट वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है ये कंजेशन वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, ये फ्रंटियर गांधी कौन है, ये वो पर्सन है जिन्होंने खुदाई खिदमतगार से बिलोंग करते हैं, और ये खुदाई खिदमतगार से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेशन ली थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, पंजाब के अंदर, क्लियर। और ये जो पर्सन है इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी, दैट इज खान अब्दुल गफार खान को, फ्रंटियर गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफार खान को बोला जाता है, रेड कलर की शर्ट पहनते थे तो इनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। और आंसर बन गया जी आपका सी ऑप्शन। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो पॉलिटिकल गुरु हैं, किसके पॉलिटिकल गुरु हैं, गांधी जी के, और ये गोपाल कृष्ण गोखले बिलोंग करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से, ये सोसाइटी है जी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्लियर, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है जी मनीलाल गांधी, ये तो उनके बेटे हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, सी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सन टेंपल, नहीं अगला ये क्वेश्चन है जी आपका, मिनिमम एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है वो इनमें से कौन सी चीज के कारण होता है, मिनिमम वर्ड यूज़ किया है, लेकिन पोल्यूशन तो होता है उससे भी है, क्योंकि उसके साथ बाकी सारी चीज़ें जुड़ेंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी और आपके वो चीज़ों को मिक्सचर बना लेगी, ठीक है। और इसमें से जो कम होता है वो होता है जी हाइड्रोजन से, सबसे ज़्यादा कम होता है, सी ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है वो केमिकल रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है, इसीलिए जो बैलून्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन ना भर के हम क्या करते हैं, वो उसके अंदर हीलियम भर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील होती है, आग लग जाती है, केमिकल रिएक्टिव होती है, क्लियर। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को नहीं यूज़ करते और इससे आग लगने के चांसेस रहते हैं, तो सी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन, क्लियर। नेक्स्ट, सन टेंपल जो है वो इनमें से कहां पे है, सन टेंपल जो है जी वो उड़ीसा में है, दैट मींस सी ऑप्शन, ठीक है। सो ये बनवाया था गंगा डायनेस्टी ने, और गंगा डायनेस्टी
कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। गंगा डायनेस्टी ने ये बनवाया था, क्लियर। और इनका राजा का नाम क्या था जिसने बनवाया था? नरसिंगा देव वन, यानी कि नरसिंह देव गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में, क्लियर। सन टेम्पल एट कोणार्क उड़ीसा में। नेक्स्ट, विनेगर क्या होता है? विनेगर क्या होता है? CH3COOH, जिसे हम इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इथेनोइक एसिड। और ये क्या होता है? ऐसे नहीं कि सीधा सीधा एसिटिक एसिड हमने खा लिया, ये विनेगर क्या होता है? डाइल्यूट कर दिया जाता है, क्लियर। और एक्चुअल में जो विनेगर की आपकी बॉटल आती है ना, उसमें सिर्फ 10% क्या होता है आपका? एसिटिक एसिड होता है, 10% होता है, ओनली 10%, क्लियर। ये ध्यान रखना, डेट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। ए ऑप्शन क्या बना? राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है, जब भी ओपन मार्केट की वर्ड आता है, ओपन इकोनॉमी का वर्ड आता है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मार्केट अगर ओपन है, ओपन मार्केट अगर ओपन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, ऑब्वियसली बात है बिजनेस होगा। तो अब क्या सीन चलेगा ओपन मार्केट के अंदर, क्या चीज चलेगी? ये क्या होता है, जैसे आरबीआई होती है, ठीक है, सपोज करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई से लेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देती है किसको? आरबीआई को, कि हाँ जी तुम मुझे पैसे दे दो। तो आरबीआई क्या करता है, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे बेच देता है, डेट मीन्स बैंकों को दे देता है। अब बैंक किसको दे देते हैं? लोगों को दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सीधी की सीधी कहां से आई? इधर से लोगों तक पहुंच जाती है। अब एक्चुअली भी पैसा कहां से जा रहा है? लोगों से जाया बैंक में, बैंक से गया आरबीआई में, आरबीआई से गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इसका मतलब क्या है, जब इस तरीके से पैसे का लेन देन चलेगा और इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल एंड परचेज चलेगी, तो दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है आरबीआई, क्लियर। ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे कर रहा है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कर रहा है, जहां पे सेल एंड परचेज हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाय द आरबीआई, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधा लोगों से डील नहीं कर सकती, आरबीआई जो है वो सीधी डील नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे नहीं ले सकती ना ऐसे वो, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल एंड परचेज यहां पे किया जाता है, दैट मींस आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा दिवस क्या है? इंटरनेशनल योगा दिवस ये है जी 21 जून, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, 21 जून। और इस दिन क्या होता है, 21 जून को ही हमारा क्या होता है, समर सोल्स्टाइस, जाने के इसका मतलब ये है, अब जो सन की रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा 23.5 डिग्री नॉर्थ, जाने के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब समर का दिन होता है पूरा, और एट द एंड डे लाइट जो होती है वो मैक्सिमम रहती है, डे लाइट मैक्सिमम और नाइट का टाइम मिनिमम होता है, तभी 21 जून को चुना गया था। और ये जो होता है, जैसे हम इंडिया का पूरा वर्ल्ड का मैप लगाएं, सपोज करो कि 23.5 ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ में भी 23.5 साउथ में है, डेट इज़ कॉल्ड कैप्रिकॉन। अब इसके बीच में जितनी कंट्रीज आती हैं ना ये वाली, सो यही तो कंट्रीज हैं आपकी किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही मतलब क्या है कि अगेन ये क्या है, ये भी सोलर एनर्जी के ऊपर बातें करते हैं, क्योंकि सन की रेज जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा इन दोनों के बीच में ही चलती हैं, जाने के ट्रॉपिक जोन जिसे आप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक जोन, ठीक है। तो इस तरीके से ही 21 जून को हमने बोला गया है, क्लियर। और योगा का जो इस साल जो है आई मीन टू से थीम था, दैट इज योगा इज एन एंशिएंट आर्ट दैट कीप्स योर माइंड बॉडी एंड सोल इन पीस, यानी कि आपकी आत्मा और आपके दिमाग और आपकी शरीर को शांति में रखने के लिए योगा है, क्लियर। तो 21 जून इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन, क्लियर। तो ये था आज के लेक्चर में, सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, सो थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले ये लिंक्स आपको दिख रहे होंगे, बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भी चीज़ें मिल जाएंगी, और प्लस जो है आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी जाती हैं।